नमस्कार बच्चों, मैं हूँ प्रसन्नराम सिंह ठाकुर। आज आपको क्लास 8 का मैथ सब्जेक्ट का अध्याय 1 स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, अध्याय 1 में क्या है? परिमेय संख्याएं। कौन सी संख्याएं? परिमेय संख्याएं। आज अपन परिमेय संख्याओं के बारे में पढ़ेंगे, परिमेय संख्या किस प्रकार की होती है और इन परिमेय संख्याओं के गुणधर्मों को जानेंगे कि जो परिमेय संख्याएं होती हैं इनके गुणधर्म कैसे होते हैं। ऑलरेडी अपन संख्याओं के बारे में 10-12 प्रकार की संख्याओं के बारे में पढ़ चुके हैं पिछले लेक्चर में। ठीक है, जिसने नहीं देखा है तो वो पिछले वीडियो में जाकर देख सकते हैं। ठीक है, तो आज अपन को केवल परिमेय संख्याओं के गुणधर्मों के बारे में जानना है, परिमेय संख्याओं के गुणधर्म क्या होते हैं। लेकिन परिमेय संख्याओं के गुणधर्म जानने से पहले अपन जानेंगे कुछ संक्रियाएं। क्या जानेंगे? संक्रियाएं। अब संक्रियाएं क्या होती हैं? संक्रियाएं जानना है। ठीक है, संक्रियाएं। अब संक्रिया देखो, सबसे पहले संक्रिया कौन सी है? योग। क्या संक्रिया? योग। योग तो जानते हो, योग का मतलब क्या होता है? जोड़ना। योग का मतलब क्या होता है? जोड़ना। ठीक है, उसके बाद एक और संक्रिया है व्यवकलन। व्यवकलन। अब व्यवकलन का मतलब क्या होता है? घटाना। क्या होता है व्यवकलन का मतलब? घटाना। योग का मतलब जोड़ना, व्यवकलन का मतलब घटाना। और एक और तीसरी संक्रिया है, कौन सी है? गुणन। अब गुणन, गुणन का मतलब गुणा करना। ठीक है, और एक और है चौथी, विभाजन। कौन सी संक्रिया है? विभाजन। विभाजन का मतलब भाग। ठीक है, तो ये अपन हम चार प्रकार की संक्रियाएं आई समझ में। एक बार देख लो, सबसे पहली संक्रिया योग, योग का मतलब जोड़ना। दूसरी संक्रिया व्यवकलन, व्यवकलन का मतलब घटाना। तीसरी संक्रिया गुणन, गुणन का मतलब गुणा करना। और जो चौथी संक्रिया है वो है विभाजन। क्या है? विभाजन। विभाजन का मतलब भाग देना। तो ये संक्रियाएं जानी है अपन ने आज। ठीक है, अब इन संक्रियाओं के बाद अपन को देखना है कि जो परिमेय संख्याएं हैं, परिमेय संख्याओं के गुणधर्मों के विषय में जानना है। ठीक है, कि परिमेय संख्याओं के कौन कौन से गुणधर्म होते हैं, अब इनके गुणधर्म देखेंगे परिमेय संख्याओं की। ठीक है, तो सबसे पहले अपन देखेंगे संवृत। क्या देखेंगे? संवृत। तो परिमेय संख्याओं के गुणधर्म इसमें सबसे पहला आता है संवृत। अब संवृत क्या होता है? तो सबसे पहले विषय देखिए कि संवृत क्या है, संवृत समझ लो। ठीक है, अब संवृत अलग अलग संख्याओं के लिए होता है, पूर्ण संख्या के लिए अलग और पूर्णांक संख्या के लिए अलग। तो सबसे पहले अपन जानेंगे कौन संख्या? पूर्ण संख्या के लिए। कौन संख्या के लिए? पूर्ण संख्या के लिए संवृत क्या होता है। ठीक है, तो संवृत यदि चारों संक्रियाओं में अलग अलग होगा, ठीक है, जो अपन ने अभी चार प्रकार की संक्रियाएं देखी उसमें होगा। ये सबसे पहले देखते हैं पूर्ण संख्या में योग में। क्या में देखेंगे अपन? योग में। योग का मतलब बता चुके हैं। ठीक है, जोड़ना। तो यदि दो पूर्ण संख्याओं को आपस में जोड़ा जाए तो यदि पूर्ण संख्या ही प्राप्त होती है, दो पूर्ण संख्याओं को आपस में क्या किया जाए? योग किया जाए, अर्थात जोड़ा जाए। तो यदि अपन को पूर्ण संख्या ही प्राप्त होती है तब अपन कह सकते हैं कि जो पूर्ण संख्या है योग में समृद्ध है। इसका क्या है? इसका समृद्ध। ठीक है, जैसे पांच एक पूर्ण संख्या है, चार भी पूर्ण संख्या है, पांच और चार में कितने आ रहे हैं? नौ। तो ये भी पूर्ण है, ये भी पूर्ण है, तो नौ भी तो क्या है? पूर्ण संख्या है ना। इसलिए अपन कह सकते हैं कि जो पूर्ण संख्या है योग में क्या होती है? समृद्ध होती है। ठीक है, उसके बाद इस पूर्ण संख्या को अपन देखेंगे व्यवकलन। व्यवकलन बता चुके हम, व्यवकलन का मतलब क्या होता है? घटाना। तो अब व्यवकलन में देखेंगे यदि समृद्ध है तो हाँ लिखेंगे, किसे यह समृद्ध है? योग, योग में। ठीक है, तो योग में तो व्यवकलन में देखेंगे। अब यदि दो पूर्ण संख्याओं को आपस में घटाएंगे तो अपन को एक पूर्ण संख्या ही प्राप्त होगी, तब तो अपन कह सकते हैं कि व्यवकलन में समृद्ध है। यदि पूर्ण संख्या प्राप्त नहीं हो रही तब व्यवकलन में समृद्ध नहीं है, देखेंगे। ठीक है, जैसे कोई भी संख्या ले लो, माना कि ले रही छह, छह पूर्ण संख्या है। एक और संख्या ले लो, माना कि ले रही आठ। अब छह में से यदि हमने आठ घटाए तो छह में से आठ घटाए कितने बचे? ऋण के दो। ऋण के दो आ रहा ना, क्या ऋण दो पूर्ण संख्या है? नहीं। इसलिए अपन कह सकते हैं जो समृद्ध है पूर्ण संख्या के व्यवकलन में समृद्ध नहीं होता, योग में होता है। व्यवकलन में क्या होता है? समृद्ध नहीं होता। क्यों नहीं होता?
क्योंकि दो पूर्ण संख्याओं को आपस में घटाने पर एक पूर्ण संख्या प्राप्त हमको नहीं हो रही, इसलिए संभव नहीं होता। इसके बाद अपन देखेंगे गुणा में, इसी प्रकार यदि दो पूर्ण संख्याओं का गुणा किया जाए, दो पूर्ण संख्याओं का क्या किया जाए गुणा, यदि गुणा करने पर एक पूर्ण संख्या प्राप्त होती है, तब तो अपन कह सकते हैं कि पूर्ण संख्या का गुणा में सम्रेत है। तो देखेंगे माना कि एक पूर्ण संख्या दो है, एक पूर्ण संख्या सात है, दोनों का गुणा क्या सात दुने चौदह, तो अपन को चौदह, चौदह भी तो पूर्ण संख्या है, इसलिए अपन कह सकते हैं यह गुणन में भी सम्रेत है। क्यों है? क्योंकि पूर्ण संख्या का गुणा करने पर एक पूर्ण संख्या है, इसलिए समृद्ध है। ठीक है, तो पूर्ण संख्या काय काय में समृद्ध होती है? सबसे पहले योग में समृद्ध होती है, व्यवकलन में समृद्ध नहीं होती है, ठीक है, और गुणन में समृद्ध होती है। इसके बाद एक और संक्रिया जो बताए कि लास्ट कौन सी है, भाग, भाग में देखेंगे। माने कि कोई पूर्ण संख्या पांच है, एक कोई पूर्ण संख्या क्या है, चलो नौ, इन दोनों का भाग किया अपन ने, क्या ये भाग करने पर क्या कोई अपन के लिए पूर्ण संख्या मिल रही? नहीं मिल रही, ये तो परिमेय संख्या, कोई संख्या है परिमेय, पूर्ण संख्या नहीं मिल रही, इसलिए अपन कह सकते हैं भाग में समृद्ध नहीं होता, गुणन में समृद्ध होता है। ठीक है, तो सीधी सी बात है, योग में और गुणन में समृद्ध है और भाग में समृद्ध नहीं। ये अपन ने देखा पूर्ण संख्याओं का, कौन सी संख्याओं का, पूर्ण। अब देखेंगे अपन कौन संख्याओं का समृद्ध देखेंगे, इसके बाद पूर्णांक संख्याओं का। ठीक है, पूर्णांक के लाना देखो, पूर्णांक, पूर्णांक तो जीरो से अनंत है, धनात्मक और ऋणात्मक होती है, तो यदि दो पूर्णांक संख्याओं को जोड़ा जाए तो एक पूर्णांक संख्या ही मिले, तब अपन कह सकते हैं योग में समृद्ध है, क्या में समृद्ध है, योग में। ठीक है, और यदि घटाया जाए तो एक पूर्णांक संख्या मिले तो क्या में हो जाएगा, व्यवकलन में, क्या में हो जाएगा, व्यवकलन। ठीक है, देखेंगे जैसे एक पांच है, एक पूर्णांक संख्या है, चलो एक ऋण चार है, ये भी पूर्णांक संख्या है, इन दोनों को जोड़ दो। ठीक है, या फिर ऋण चार, ये भी तो पूर्णांक संख्या है, कुछ भी कर दो, तो पांच धन और ऋण का क्या हो जाएगा, ऋण चार, बराबर कितना होगा, एक, देखो एक भी पूर्णांक संख्या है, एक पूर्णांक संख्या है, इसलिए अपन कह सकते हैं कि योग पूर्णांक संख्या के योग में क्या समृद्ध होता है। ठीक है, अब व्यवकलन का देखेंगे, व्यवकलन का मतलब घटाना, जैसे एक नौ है, एक और कोई संख्या ले लो पांच, दोनों पूर्णांक संख्या है, नौ में से पांच घटाए कितने बचे चार, तो ये भी तो पूर्णांक संख्या है, इसलिए अपन कह सकते हैं व्यवकलन में भी समृद्ध होता है। तो ध्यान रखना, जो समृद्ध है, यदि पूर्णांक संख्या की बात की जाए तो योग में भी होता है और काय में होता है, व्यवकलन में भी होता है। आप गुणन, क्या गुणन में होता है समृद्ध, देख लेंगे। ठीक है, तो गुणन में समृद्ध देखने के लिए, गुणन में समृद्ध देखने के लिए अपन दो पूर्णांक संख्या को गुणा करेंगे, जैसे ऋण पांच में ऋण चार का गुणा कर दिया अपन ने। ठीक है, तो पंचों के बीस, ऋण क्या हो जाएगा धन, तो यहाँ पर बीस आ गए, तो बीस भी तो ये पूर्णांक संख्या है, इसलिए अपन कह सकते हैं गुणन में भी समृद्ध होता है। तो योग में पूर्णांक संख्या की, योग में, व्यवकलन में और गुणन में, तीनों में क्या होता है, समृद्ध होता है। अब देखेंगे भाग में। ठीक है, लास्ट की जो संक्रिया है अपनी वो क्या है, भाग है, तो भाग में क्या समृद्ध होता है, इसके लिए अपन दो पूर्णांक संख्याओं को पूर्णांक संख्या से भाग देंगे, जैसे पांच एक पूर्णांक संख्या है, इसमें कोई भी संख्या से भाग दे तो दो से भाग दे, अपन ना पूर्णांक संख्या में दो से भाग दो, क्या ये अपन को पूर्णांक संख्या में नहीं, नहीं, ये तो कौन संख्या है, परिमेय, तो अपन कह सकते हैं कि भाग में समृद्ध नहीं होता। ठीक है, तो अभी अपन ने देखा था कौन कौन में, पूर्ण संख्या में देखा था, तो पूर्ण संख्या में केवल योग और गुणन में समृद्ध था, लेकिन अपन ने पूर्णांक में देखा तो योग, व्यवकलन और गुणन तीनों में समृद्ध है, लेकिन भाग में समृद्ध नहीं है। ठीक है, ध्यान रखना थोड़ी सा। अब देखो ये संक्रिया है अपनी, योग, व्यवकलन, गुणन। ठीक है, तो ये देखो पूर्ण संख्याएं योग के अंतर्गत समृद्ध है, पूर्ण संख्या व्यवकलन के अंतर्गत समृद्ध नहीं, जो अपन ने अभी देखा। ठीक है, पूर्ण संख्या गुणन के अंतर्गत समृद्ध है। इसके बाद आगे देखेंगे। ठीक है, ये है पूर्णांक संख्या, तो पूर्णांक योग योग के अंतर्गत समृद्ध है। ठीक है, ये अपन ने अभी देखा योग के अंतर्गत पूर्णांक व्यवकलन के अंतर्गत भी समृद्ध है। ठीक है, और गुणन के अंतर्गत भी समृद्ध
हैं। तो ध्यान रखना है पूर्णांक तीन के अंतर्गत सम्मिलित होती है, योग ठीक है, व्यवकलन और गुणन। पूर्णांक क्या भाग के अंतर्गत सम्मिलित है? बिल्कुल नहीं, पूर्णांक भाग के अंतर्गत सम्मिलित नहीं है। तो अपन ने सम्मिलित पढ़ चुके, क्या पढ़ चुके? सम्मिलित। अब जानना है अपन को क्रम विनिमेयता, क्या जानना है? क्रम विनिमेयता, ठीक है, जो कि इसी का एक टॉपिक है। क्रम विनिमेयता, अब देखो क्रम विनिमेयता, क्रम विनिमेयता भी दोनों संख्याओं में अलग अलग होगी, एक पूर्ण संख्या में अलग होगी ठीक है, और पूर्णांक संख्या में अलग। तो पहले तो समझ लो क्रम विनिमेयता क्या है। तो क्रम विनिमेयता उसके नाम से ही स्पष्ट है कि जिस क्रम, क्रम का मतलब क्रम, एक रेगुलर क्रम में ठीक है, और विनिमेयता मतलब बदलना, मतलब किसी संख्याओं को क्रम, किसी संख्याओं के क्रम को बदला जाए, किसको बदला जाए? क्रम को बदला जाए, और उन संख्याओं में या उसके योग में या व्यवकलन में या गुणन में ठीक है, मतलब उसके जो योगफल आएगा उसमें कोई परिवर्तन ना हो, तब तो अपन कह सकते हैं वो क्रम विनिमेयता है, अन्यथा नहीं। जैसे पहले देखेंगे अपन पूर्ण संख्या, क्या में देखेंगे? पूर्ण संख्या। अब यदि दो पूर्ण संख्याओं को जोड़ा जाए, दो पूर्ण संख्याओं को क्या किया जाए? जोड़ा जाए ठीक है, जैसे पांच और चार ठीक है, या एक और जोड़ दो, चलो तीन, यदि इनको जोड़ा जाए तो कितने आ रहे हैं? पांच और चार नौ, नौ और तीन कितने होते हैं? बोलो बारह, ठीक है, यहाँ पर बारह आए। अब यदि इसमें क्रम विनिमेयता लगा दिया जाए, लगा दी जाए, क्या लगा दी जाए? क्रम विनिमेयता, क्रम विनिमेयता मतलब क्रम को बदल दिया जाए। अब देखो क्या करेंगे, यहाँ पर तीन यहाँ पर आ गए और पांच यहाँ बदल लो और चार यहाँ कर लो, आप देखेंगे क्या बारह ही आएगा और कुछ आएगा? तो पांच और तीन आठ, आठ और चार बारह, क्या आंसर में कोई बदलाव है? बिल्कुल नहीं ठीक है। तो अपन कह सकते हैं कि जो पूर्ण संख्या है, पूर्ण संख्याओं में योग के अंतर्गत क्रम विनिमेयता होती है ठीक है। तो अपन यदि योग करेंगे तो उसमें क्रम विनिमेयता लगा सकते हैं, क्योंकि उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होता। ध्यान रख लें जो पूरा है, पूर्ण संख्या है उसमें क्रम विनिमेयता काय के अंतर्गत? योग के अंतर्गत, देखिए काय के अंतर्गत? योग। उसके बाद पूरी पूर्ण संख्याओं में आप देखेंगे अपन काय के अंतर्गत? व्यवकलन, काय के अंतर्गत देखेंगे? व्यवकलन के अंतर्गत ठीक है। व्यवकलन का मतलब हम बता चुके, क्या? घटाना। यदि दो संख्या लेंगे या तीन, पांच ऋण तीन ऋण छह ठीक है, इसको सोल्व करेंगे उसके बाद देखेंगे, देखो ऋण की संख्या अलग जोड़ लो, छह और तीन कितने हो जाएंगे? नौ। अब पांच में से नौ घटाएंगे कितने बचेंगे ऋण के? चार। अब इसमें अपन क्रम विनिमेयता लगाएंगे, क्या लगाएंगे इसमें? क्रम विनिमेयता, छह आएंगे लेकिन तो ठीक है, पांच और तीन, अब देखेंगे क्या आंसर चलेगा, चार ही आएगा, ऋण चार आएगा तो क्रम विनिमेयता होती है, अन्यथा नहीं होती है। तो छह के छह, पांच और तीन कितने हो गए? आठ, आठ में से छह, छह में से आठ घटाए ऋण दो, यहाँ पर चार आया, यहाँ पर कितना आया ऋण दो, क्या दोनों में बराबर आंसर आया? बिल्कुल नहीं। इसलिए अपन कह सकते हैं कि व्यवकलन के अंतर्गत पूर्ण संख्या में, कौन संख्या में? पूर्ण संख्या में क्रम विनिमेयता नहीं होती है ठीक है। तो अपनी क्रम विनिमेयता काय में हो गई? व्यवकलन में। योग में होती थी, योग में कोई परिवर्तन नहीं आता था, अपन जितने चाहे क्रम बदल दो कुछ भी कर दो तो आंसर अपना बदल जाता ठीक है, लेकिन व्यवकलन में बदल रहा है। अब देखेंगे अपन काय में गुणन, जो तीसरी संक्रिया है अपनी गुणन, गुणन का मतलब बता चुके ठीक है, गुणा करना। दो संख्याओं का यदि अपन गुणा करेंगे उसके बाद क्रम बदलकर गुणा करेंगे, यदि आंसर बराबर आएगा तो अपन कह सकते हैं गुणन में क्रम विनिमेयता होती, अन्यथा नहीं। जैसे पांच ले लो और दो ले लो, उसके बाद कुछ भी लग ठीक है, पांच दुनी दस, दस दिया कितने हो गए? तीस ठीक है, क्रम बदलो, तीन गुणन पांच गुणन दो कर दो ठीक है, पांच त्री पंद्रह, पंद्रह दुनी तीस, यहाँ पर भी कितने यहाँ तीस, क्या आंसर में कुछ चेंज आया? बिल्कुल नहीं, कोई परिवर्तन नहीं है ठीक है। इसलिए अपन कह सकते हैं कि गुणन के अंतर्गत क्रम विनिमेयता होती है, कौन सी संख्या में?
पूर्ण संख्या में, ठीक है। तो अपने गुणन के अंतर्गत क्रम विनियमित हो गई। अब ध्यान रखना काय काय के अंतर्गत क्रम विनियमित होती, सबसे पहले पन्ने देखा योग में, तो योग में क्रम विनियमित होती है, उसके बाद गुणन में, गुणन में क्रम विनियमित होती है लेकिन व्यवकलन में क्रम विनियमित नहीं होती। इसके बाद देखेंगे भाग में, काय में देखेंगे भाग में क्या आंसर बराबर आते हैं या नहीं, ठीक है। जैसे पांच बटे दो लिखा हमने, कितना लिखा पांच बटे दो, अब दो का भाग देंगे तो दो दुनी चार बचा, यहाँ पर एक, यहाँ पर दशमलव दो पांच, इधर दो दशमलव कितने आए पांच, इसका क्रम बदलो, अब क्या कर दो बटे पांच कर दो, अब क्या आंसर इतना आएगा देखेंगे। पांच का तो भाग ही नहीं जा रहा, यहाँ पर क्या जाएगा दशमलव, अब यहाँ पर जीरो हो जाएगा तो बीस पंचों के बीस, दोनों में काफी अंतर है, ठीक है। इसलिए अपन कह सकते हैं कि जो भाग के अंतर्गत क्रम विनिमयता नहीं होती, ठीक है। तो ध्यान रखना क्रम विनिमयता कौन कौन संक्रियाओं में लगती है, योग में और गुणन में, योग और गुणन में क्रम विनिमयता संक्रिया लगती है लेकिन भाग में और व्यवकलन में क्रम विनिमयता संक्रिया नहीं लगती है, ठीक है। तो अपन ने आज ये परिमेय संख्याओं के गुणधर्मों को जाना, संख्याओं के काय को जाना, गुणधर्मों को, ठीक है। आप देखो आगे आज अपन ने परी अब जानेंगे अगले लेक्चर में, ठीक है। साहचर्यता क्या जानेंगे अगले लेक्चर में, साहचर्यता, शून्य की भूमिका, एक की भूमिका और व्यतिक्रम, गुणात्मक प्रतिलोम, ठीक है, और योज्य प्रतिलोम, जिससे क्वेश्चन अष्टम क्लास में आते ही आते हैं। अब इस एक चैप्टर से कम त्रैमासिक परीक्षा में 20 नंबर का आने वाला है, कितने नंबर का 20, जिसमें शून्य की भूमिका, एक की भूमिका, योज्य प्रतिलोम, योज्य तत्समक, गुणात्मक प्रतिलोम, इनसे जरूर आएगा। तो इसके लिए अपन देखेंगे अगले लेक्चर में, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ठीक है।